आज सुबह करीब 8:30-9 बजे के आसपास मेरे पास क्षेत्रीय पशु कृषि अधिकारी डॉक्टर शिवनारायण ने अवगत कराया कि जमाल नगर क्षेत्र में श्री सुखबीर पाल सनाप लाल आराम करते हैं, उनकी उन्होंने 150 भेड़े पाल भेड़ पालन का वो व्यवसाय करते हैं। उनके पास 150 भेड़े हैं जिसमें से 22 भेड़े भेड़ और मेढ़ा और भेड़े में फीमेल की मृत्यु हुई है और 15 छोटे बच्चे हैं जो 5 से 6 महीने के हैं। इस पे जो निशान पाए गए हैं वो जैसे लगता है किसी चीज़ के काटने या उसका अटैक किया गया है, नाखून का हो या दांत के निशान पाए गए हैं। इनका स्व परीक्षण कराया गया, स्व परीक्षण में इस प्रकार की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट हमारे पास जो डॉक्टर ने सूचना क्या करते हैं मौखिक रूप से बताया गया, उसी के आधार पर मैं सूचना दे पा रहा हूँ, रिपोर्ट आ जाएगी शाम तक। क्या इनको किसी प्रकार कोई आर्थिक सहायता वगैरह ले जाएगी? देखिए, इस प्रकार की मृत में आर्थिक आपदा की श्रेणी में नहीं आता है कि जंगली जानवर द्वारा किसी या उस टाइप से नुकसान किया गया है। फिर भी इसमें जो मदद हो सकेगी वो दिलाने का प्रयास किया जाएगा। और एक हम लोगों ने गांव वालों को इकट्ठा करके उनके सामने ये प्रस्ताव दिया है कि भाई आप लोग कुछ दिन लगातार, क्योंकि अगर किसी जानवर ने किया होगा तो निश्चित रूप से दोबारा फिर आएगा गाँव में, तो आप लोग रखवाली करें, थोड़ा सा देखभाल करें, मुस्तैदी इसमें रखें और रात के समय शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगा लें जिससे कि पता चल सके ऐसा कोई फिर तो नहीं अटैक कर रहा। दूसरे जिसके पास भी उस गांव में भेड़े इत्यादि हैं उसको कहीं बंद बाड़े में या उसमें रखें जिससे कोई बाहरी जानवर अटैक ना कर पाए। सुरक्षा की दृष्टि से ये उपाय उनको बताया जाए।